अरे बिलिंग में काम नहीं करना तो भाई आपका स्टाफ भी गड़बड़ करेगा। अगर शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट होता ना के पास तो उसका शोरूम सेल नहीं होता। सेम डे शोरूम खुलवाने के लिए 5 लाख रुपए उसने रिश्वत। आप इसी एक घिसे पिटे कंज्यूमर के पीछे अपने बिजनेस मार्केट में क्या आप किंग बन पाए? सबसे पहले तो अपनी मार्केट के किंग बनो। घर ले लिया लोन पर वो जाएगा, गाड़ी ले ली लोन पर उसकी किस्त जाएगी। जो आप बच्चों का खेल समझ रहे हैं कि एसएमई आईपीओ लेके आएंगे, तो पहले मैं आपको बता दूं, दो लोगों से मुझे सख्त नफरत है। एक तो वो बिजनेस कोच जिसने साले ने रियल लाइफ में बिजनेस ही नहीं किया। 98% बिजनेस कोचेस या तो वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी बिजनेस नहीं किया, या साले वो घुस गए हैं जो बिजनेस में फेल हो गए। बिजनेस चलानी तो प्रॉब्लम तो मुझे पता है, इसका सोल्यूशन मैं दूसरों को बताऊंगा, खुद की इंडस्ट्री में सोल्यूशन कर नहीं पाए। इसकी वजह से बिजनेस कोचिंग इंडस्ट्री है ना, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। रियलिटी में एक बिजनेस ओनर चीज़ें सीखना चाहता है, समझना चाहता है कि कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे चीज़ें बता दे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। पर जिसको कॉन्टैक्ट करता है वो उसका ऐसा पंपू बना देता है, ऐसा लप्पू बनाया था उसको। वो कहो लेडी है ना, वो बड़ी फेमस हो रही है आजकल डिजिटल पे कि लप्पू सा सचिन है। अरे उसका लप्पू ही बना के छोड़ देता है वो, फिर उसका जो कोचिंग इंडस्ट्री में से विश्वास उड़ जाता है। मैं कुछ ऐसी ऐसी बेसिक बातें बताऊंगा ना जिनको सोच के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हाँ यार बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली चीज़ तो मैंने बताई थी कि इंडिया का बेड़ा गर्क कर रखा है बिजनेस कोचेज ने, जो बिजनेस कोचिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। ना तो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी का पता, ना उन्होंने फैक्ट्री मैनेजमेंट का पता, ना उन्होंने वर्कफोर्स मैनेजमेंट का पता, ना प्रोडक्शन का पता। ना कहते ना यार प्राइस कम नहीं करना, प्राइस वॉर नहीं करना, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, अपनी फीचर्स के बारे में बताओ। साले इतने बकवास करते हैं, सच बताऊं प्राइस वॉर होता है, ये कड़वी बात है ना। एज अ बिजनेस कोच नहीं कह रहा मैं, ये कड़वी बात है कि प्राइस वॉर होता है। तो ये बात किसकी रही? बिजनेस कोचेज की, जो बिजनेस कोचेज लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है ना, वो कोच की नहीं है, वो उन लोगों की है जो बिजनेस कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करना। अरे एक बेसिक छोटी सी बात है ना, उस बात को समझने के लिए भी उनको कई वर्ष लग जाते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारा शोरूम है पीतमपुरा रोहिणी में, रोहिणी के पास में, तो वहाँ से करीब करीब 400-500 मीटर की दूर पर एक का शोरूम खुला। शोरूम होगा लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का, तीन फ्लोर है, 5,000 स्क्वायर फीट की एक फ्लोर है। शोरूम खुल गया, कम से कम 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शोरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा हुआ था, और बिल्कुल टॉप क्लास एथेनिक वेयर वहाँ पर, कपड़े ये वो दुनिया भर की चीज़ें। क्या हुआ, एमसीडी वाले आए, शोरूम का इनोग्रेशन हो रहा था, इनोग्रेशन कंप्लीट हुआ, शटर डाउन किया, सील करके चले गए। क्यों भाई? एक आदमी ने इतने करोड़ों रुपये अपने बिजनेस में लगा दिए, उसके बाद उसका जो बिजनेस है वो एक झटके से सील हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बेसिक स्टेप फॉलो नहीं किया। क्या? शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। मैं अगर सच बताऊँ ना, आज भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार अपना चेक कर लेना, अपने अकाउंट्स में जाके, अपने डॉक्यूमेंटेशन में जाके, क्या आपने बिजनेस में शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट लिया है? नहीं लिया ना। तो शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट अगर लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट की फ़ीस 500 रुपये से 1500 रुपये तक की फ़ीस है, लेकिन वो 1500 रुपये बचाने के चक्कर में लाखों रुपये, करोड़ों रुपये दाव पर लगा देते हैं। तो प्रॉब्लम खाली बिजनेस कोचेज की नहीं है, प्रॉब्लम बिजनेस ओनर की भी है। कहते हैं इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है। साला जो काम सीधी उंगली से नहीं होता ना, उसके लिए उंगली टेढ़ी करो वो काम हो जाता है। जो काम प्यार से नहीं होता वो रिश्वत दे के हो जाता है। इसी वजह से हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। तो शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर शॉप एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट होता ना के पास, तो उसका शोरूम सेल नहीं होता। सेम डे शोरूम खुलवाने के लिए 5 लाख रुपये उसने रिश्वत दी, तो जो काम 1500 रुपये में हो सकता उसके लिए 5 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमेशा रोना रोते रहते हैं कि भाई यार जीएसटी नंबर लेके मैं क्या करूँगा, जीएसटी का मेरा क्या काम है। अरे भाई क्यों नहीं है? आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मेरी सेल्स का जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम रहने वाला है। और दूसरी बात यार, आप ही के पास तो जीएसटी नहीं है ना, आपको लग रहा ना कि मैं जीएसटी ना दे रहा हूँ ना ले रहा हूँ। मेरे भाई जितना भी मटेरियल तुम्हारे पास आ रहा है उसमें जीएसटी जुड़ के आ रहा है। अगर कोई 10,000 का माल है तो उसमें 18% 5% 12% जीएसटी वो लगा के बेच रहा है। आपके पास नंबर है नहीं तो आप उसका क्लेम भी नहीं ले पा रहे। और कौन सा 18% 12% 28% या 5% आपकी जेब से जाता है? जब माल हम खरीदते हैं तो वो जीएसटी हम पे करते हैं, और जब माल बेचते हैं तो कंज्यूमर से चार्ज करते हैं। तो दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे ना, वो छोटा अमाउंट होता है। अरे 10,000 की आपने परचेज की, उसमें आपने जीएसटी पे किया, उसको 12,000 का बेचा तो उस पर आपने जीएसटी चार्ज किया, बीच का डिफरेंस कितना बचा? 2,000 रुपये का जीएसटी आपके पास से गया खाली, लेकिन जानकारी के अभाव में। जीएसटी नंबर मुझे लेना नहीं है, बिलिंग में मुझे काम करना नहीं है,
अरे बिलिंग में काम नहीं करना तो भाई आपका स्टाफ भी गड़बड़ करेगा, आपके एम्प्लॉयज भी धोखा देंगे आपको, वो भी बीच में से माल गायब कर देंगे, पेमेंट की ट्रांजेक्शन भी ठीक से नहीं होगी, पैसा भी डूबेगा। लगा कि नहीं यार लाला जी ने ऑर्डर दिया है, माल भेज देंगे पैसे आ जाएंगे, ठीक है भेज दिया, लाला जी से पैसे आ गए, आपका एक ट्रस्ट बन गया यार, मार्केट में किसी को माल दो साला पैसे तो मिल ही जाते हैं। आपने किसी एक थर्ड पार्टी को माल दे दिया, थोड़ा माल दिया पैसे आ गए, फिर और दिया फिर पैसे आ गए, धीरे धीरे क्रेडिट करने लगा वो कि भाई ठीक है मैं अभी 50% पेमेंट दे रहा हूँ। करते 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 पता लगा जब साला लास्ट हुआ तो आप 10-20 लाख के नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टमेटिक काम ही नहीं किया, आपने एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड कर लिया कि यार मार्केट में ट्रस्ट फैक्टर के हिसाब से काम चल रहा है। भैया क्या आपने उससे बिलिंग पर काम किया? क्या आपने मटेरियल भेजने के बाद उससे रिसीविंग ली? क्या रिसीविंग के साथ में क्या वो जो बिल था वो GST पेड था? क्या आपने उससे PDC लिया? क्या माल डिलीवर करने के बाद उससे रिसीविंग ली? नहीं ली ना, तो भैया आपका पैसा कोई रिकवर नहीं करा सकता। फिर कहते हैं हमारा देश का कानून है वो ढीला पड़ा हुआ है। कानून ढीला नहीं पड़ा हुआ, लोग ढीले हैं, उनकी जानकारी कमज़ोर है, सही तरीके से गाइडेड नहीं है, ठीक तरीके से एजुकेटेड नहीं है, और चिंदी चोरी करते हैं। अभी चिंदी चोरी क्या करते हैं? टैक्स बचाने के चक्कर में ना, आप किसी आदमी को उठा के देख लो, सेल्स पूछो 1 करोड़ की है, पूछो ITR कितने की है, सर ITR तो 5 लाख रुपए की है। क्यों भाई? सेल आपकी 1 करोड़ की है, अगर 20% भी मार्जिन है तो 20 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है। आप ITR फाइल कर रहे हैं 5 लाख की, तो आप जब बैंक के पास जाएंगे ना पैसे मांगने, मेरे को बिजनेस में पैसा चाहिए, लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए, या मुझे बैंक ODI दे दो, तो वो क्या कहेगा? ITR कितने की? आप कहोगे 5 लाख की। 5 लाख के हिसाब से आपकी लोन क्रेडिबिलिटी बनती है 20 लाख की। आप कहोगे 20 लाख का लोन लेके क्या करूँगा, मेरा बिजनेस इस लेवल पे है कि 20 लाख से मेरा कुछ नहीं होना। कहते ना कि भरे हुए मुँह में अगर चने का दाना भी हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने अपनी जो फाइनेंशियल वैल्यू है ना, पेपर डॉक्यूमेंटेशन की जो वैल्यू है, उसको हमेशा पुअर रखा है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है 20-20, 50-50 करोड़ की टर्नओवर है और रिटर्न फाइल कितने की करते हैं? 50 लाख की। और उसमें टैक्स कितना देते हैं? 10% मार्जिन 5 लाख रुपये। 5 लाख तक की तो छूट है, 1200-1500 रुपये टैक्स जमा करके काम चला रहे हैं। फिर कहते हैं बैंक हमें पैसा नहीं देता, NBFC हमें पैसा नहीं देती, गवर्नमेंट की हमें बेनिफिट नहीं मिलते, स्कीम नहीं मिलती। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर की भी है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है चीज़ों को ठीक से समझने की, कंप्लाइंसेस को पूरा करने की, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशंस को कंप्लीट करने की, गवर्नमेंट से मिलने वाले बेनिफिट के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी तब मिलेगी जब आप उन नॉर्म्स को पूरा करेंगे। जैसे SME है वो IPO है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार ठीक है मेरा बिजनेस बढ़िया है, 20 करोड़ का मैं टर्नओवर करता हूँ, 50 का करता हूँ, 100 का करता हूँ, या 5 करोड़ का करता हूँ, तो मैं तो अपना IPO लेकर आ जाऊँगा। आपको पता है IPO लाना कितना, जो आप बच्चों का खेल समझ रहे हैं कि SME IPO लेके आएंगे, तो पहले मैं आपको बता दूँ आपका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना वॉल्यूम आपने सेल किया। बहुत सारे बिजनेस में 60% प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट है, 80-90% प्रॉफिट है। तो सेल्स के वॉल्यूम से नहीं, आपने जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है उसका 10 गुना कर लो, इतने का आप IPO लेकर आ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बिजनेस ओनर के साथ मेरी मीटिंग थी, उसने कहा जी मैं अपना IPO लेकर आना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है यार, आप IPO लेना चाहते हैं, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, पर IPO लाने के बाद आप कितना पैसा इकट्ठा करेंगे? उन्होंने कहा जी मेरा जो बिजनेस है उसमें लगभग एक बिजनेस में 5 करोड़ का सेटअप मेरा लगा हुआ है और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी है, लेकिन जो सेल्स का वॉल्यूम है ना वो 50 लाख का दिखाता हूँ। मैंने कहा नेट प्रॉफिट कितना दिखाते हैं? कर जी 3%। अरे यार 50 लाख का 3% हुआ कितना? 15 लाख रुपये प्रॉफिट। तो 15 लाख रुपये का अगर आपका प्रॉफिट है, टैक्स वैक्स देने के बाद मान लेता हूँ मैं 12 लाख का प्रॉफिट है, तो 12 लाख को 10 गुना कर दोगे ना तो 1 करोड़ 20 लाख रुपये होंगे। अगर आप 1 करोड़ 20 लाख रुपये का IPO लेके भी आए, पहली बात तो लाएंगे नहीं आप, 1 करोड़ 20 लाख का आप IPO लेके भी आए, उस IPO को लाने में ही आपका 15-20% खर्च हो गया, तो इक्विटी बची मान लेते हैं 1 करोड़ 20 लाख की जगह 1 करोड़ की, 20 लाख रुपये खर्च हो गया IPO अपना बनाने में, सारे डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोसेस में, कंसल्टिंग में, लीगल फॉर्मेलिटीज़ में, दुनिया भर का आपने पैसा खर्च कर दिया, बाकी बचा 1 करोड़। तो 1 करोड़ तो वैल्यू 100% इक्विटी की है। आप मार्केट में इक्विटी देंगे कितनी? आपने कहा जी मैं 20% इक्विटी दूंगा, तो 20 लाख रुपए के लिए आपने 20 लाख रुपए ही खर्च कर दिए, तो आपके हाथ में आया क्या? तो फ्रेंड्स IPO लाने के लिए भी ना आपको अपनी फाइनेंशियल वैल्यू को, टर्नओवर को, बिजनेस के लेवल को ऊपर उठाना होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा जनरेट करना होगा,
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर हमेशा चिंदी चोरी करता है, टैक्स की चोरी करता है, जीएसटी की चोरी करता है, और जितना सेल्स का वॉल्यूम आता है उसका 1/10 भी नहीं दिखाता। तो ज़रूरत क्या है? अपनी बुक वैल्यू को आगे बढ़ाने की। खाली बात ये नहीं है कि वो टर्नओवर कोई कम दिखा रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है यार। जैसे वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करता, कहता यार टेक्नोलॉजी का मेरा क्या काम, मैं सुबह जाता हूँ फैक्ट्री अपने हिसाब से खोलता हूँ, शॉप खोलता हूँ अपने, चाबी मेरे पास होती है सुबह से लेकर रात तक, चाबी मेरे पास रहती है, गल्ले की चाबी मेरे पास होती है, गल्ले पे मैं बैठता हूँ, कहीं जाता हूँ तो ताला लगा जाता हूँ। अरे यही तो प्रॉब्लम है साला, सारा टाइम तो उसने ख़त्म कर दिया गल्ले की चाबी को संभालने में, सुबह टाइम से दुकान पर पहुँचने में, रात को टाइम से दुकान से वापस आने में, वो ताले की चाबी लेके अपनी आंटी में घुसाए रखता है, इसीलिए वो कभी बड़ा नहीं हो पाता। और बात मेरी कड़वी लगेगी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ज़िंदगी में कभी बड़े नहीं होंगे। अरे छोटी सी चाप बेचने वाली शॉप, वाजीवा चाप या सुट्टा बार, या ऐसे में सैकड़ों एग्जाम्पल, SGF, ऐसे सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने उस बिज़नेस को भी सिस्टमेटिक कर लिया। और सिस्टमेटिक कैसे किया? सारे सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, पेमेंट सॉफ्टवेयर, एक पैकेजिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, रिटेल के लिए अलग बना दिया, बैठकर खाने के लिए अलग बना दिया, सप्लाई के लिए अलग बना दिया, हर एक काम बिलिंग से होगा। अब बिलिंग से होगा तो एक कैश काउंटर पे एक कैश मैनेजर बैठा हुआ है, उसका काम है बिल देना, बिल देकर ही आगे पर्ची भेजना, पर्ची से मेटल डिस्पैच होगा, तो सिस्टम जनरेट हो गया। तो अब लाला जी की तरह गल्ले की चाबी लेके नहीं बैठना, वो चाबी किसके पास है? वो स्टोर मैनेजर के पास है। सारा कैश कौन मैनेज करता है? वो जो कैश मैनेजर है काउंटर पे जो बैठा हुआ बंदा, वो मैनेज करता है। लाला जी तो शाम को देख लेते हैं, हाँ भाई इतना टोटल हुआ, इतनी सेल हुई, इतना मटेरियल आया था, ये बिक गया, इतना स्टॉक बचा हुआ है। उसके लिए भी कोई मैनुअल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्वेंट्री से लेकर हैं, परचेजिंग से लेकर हैं, सेल से लेकर हैं, स्टॉक मैनेजमेंट से लेकर हैं। पर आप क्या कि नहीं 20,000 का सॉफ्टवेयर, ना 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 20,000 का सॉफ्टवेयर तो बहुत महंगा है। अरे 20,000 की औकात रह गई क्या आपकी? मतलब आप 8-10 घंटे काम करेंगे चाबी लेने से लेकर और क्लोज करने तक की आपके पास रहेगी गल्ले की चाबी, तो क्या आपकी औकात इतनी है कि 20,000 का सॉफ्टवेयर आपके बदले काम कर सकता हो? तो आपकी वैल्यू 20,000 की है। जितनी छोटी छोटी चीज़ें आप बचा रहे होते हैं ना, उतनी ही बड़ी समस्या आने वाले समय में आपके विकास पर होने वाली है। डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है। क्या आप कहते हो नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं जाना, ऑनलाइन की नॉलेज नहीं? अरे नॉलेज नहीं है तो गुरु चाणक्य ने कितनी बढ़िया बात कही थी, अगर सारा जीवन एक तरह की नॉलेज को ग्रैब करने पे लगाओगे ना, अलग अलग तरह की चीज़ें सीखने पे लगाओगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। इस सृष्टि में ना, इस दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, तो हर एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज़ को हायर करो। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है उसको हायर करो, उसकी जानकारी का फ़ायदा लो, उसकी जानकारी के आधार पर उसको पैसे दो और उसके काम कराओ, और जब वो आपके लिए काम करेगा तो आपके पास वर्किंग हैंड्स बढ़ जाएंगे। दुनिया के सफल लोग पता क्या करते हैं? दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो दूसरे के समय को खरीद के अपने समय में जोड़ लेते हैं, और जैसे ही आप दूसरे के समय को खरीद के अपने समय में जोड़ लेते हैं तो आपके 8 घंटे के समय में काम करने का इजाफा हो जाता है। नहीं समझ में आया ना? अब समझो, आप खुद शॉप पर जाते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को मान लीजिए 9 बजे आते हैं, 12 घंटे का समय आप कंज्यूम कर देते हैं। लेकिन आपने एक एम्प्लॉय रखा जो आपके लिए 9 से 12 काम करता है, या मान लेते हैं सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक 8 घंटे काम करता है, तो वो जो 8 घंटे का समय है ना, वो आपके उस सेम डे के वर्किंग आवर्स में जुड़ गया। मतलब 12 घंटे आपके और 8 उसके भी। अब आप फ्री हो गए, मान लो 8 घंटे वो एम्प्लॉय काम कर रहा है आपके बदले, अब आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रखना शुरू किया, धीरे धीरे करके आपके 10 लोग हो गए। हर रोज़ आपके पास प्रोडक्टिविटी 80 घंटे की होती है। तो दुनिया के सफल लोग क्या करते हैं? काबिल लोगों की काबिलियत को खरीदते हैं, उसके बदले उनको पैसा देते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं। और आप लोग रोते रहते हैं यार डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं देगा धंधा नहीं चलेगा, डिस्काउंट नहीं दूंगा कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान रखना, 3 तरह की साइकोलॉजी होती है कंज्यूमर की। इस दुनिया में क्या पूरे विश्व में सिर्फ 3 ही तरह के ग्राहक हैं। अब आप पूछोगे सर वो कौन कौन से 3 तरीके हैं? हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या? नंबर 1, ब्रांड कॉन्शियस। एक ग्राहक ऐसा है जो ब्रांड का मटेरियल खरीदेगा, आप साला कितना भी डिस्काउंट कर दो वो खरीदेगा ही नहीं आपका मटेरियल। क्यों? क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस है, उसको पता है मुझे ये ब्रांड लेना है, पर्टिकुलर ए ब्रांड लेना है, तो ए ब्रांड का मटेरियल खरीद लेगा चाहे महंगा हो या सस्ता। तो वो कंज्यूमर आपका नहीं है अगर आप प्राइस वॉर वाले बंदे हैं। या तो अपने बिजनेस का ऐसा ब्रांड बनाओ कि आपका ब्रांड का लेवल इतना बड़ा है कि भाई लोग आपका ब्रांड पसंद करते हैं, ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, तो ब्रांड की एक तरह से फैन फॉलोइंग होती है, फॉलोअर्स होते हैं, उसके लॉयल कस्टमर होते हैं जिसको खरीदते हैं, है ना, तो ब्रांड कॉन्शियस हो गया। दूसरा है क्वालिटी कॉन्शियस। एक ऐसी कैटेगरी है जिसको प्राइस से कुछ लेना देना ही नहीं है, ना ब्रांड से कुछ लेना देना है, कहता बढ़िया क्वालिटी।
आप देखो बहुत सारे लोग आपको ऐसे टकराएंगे कि ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, इनमें से सबसे बढ़िया क्वालिटी किसकी है वो उसको खरीद लेगा, प्राइस का भी मैटर नहीं है। कई बार होगा कि बढ़िया क्वालिटी है प्राइस का, मैं उसका मेटल खरीद लेगा। कई बार होगा बढ़िया क्वालिटी है प्राइस भी ज़्यादा, वही खरीदेगा, ब्रांड नहीं देखेगा। तो ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर है, और आप काम कर रहे हैं सबसे थर्ड क्लास कंज्यूमर, वो कौन सा है? तीसरा, वो है प्राइस कॉन्शियस। वो साला प्राइस के वॉर पे लगा रहेगा, उसको ना क्वालिटी से मतलब, ना ब्रांड से मतलब। ए ब्रांड है, बी ब्रांड है, सी ब्रांड है, और रामू काका ब्रांड है, ठीक है ना, एक साधारण नमक ब्रांड है, तो वो साधारण वाले से खरीद लेगा, सस्ता मिलना चाहिए उसको, उसको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप इसी एक घिसे पिटे कंज्यूमर के पीछे अपने बिजनेस को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको मारो लात, क्वालिटी कॉन्शियस और ब्रांड कॉन्शियस। जैसे जैसे आप ब्रांड को फोकस करते जाएंगे ना, अपने बिजनेस में ब्रांड बनाते जाएंगे, तो आप प्रीमियम मार्जिन पर आ जाएंगे, प्रीमियम प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। एक स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर बड़े गर्व से बताता है, मैं अभी, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, करीब 400-500 उसमें बिजनेस ओनर थे, तो फ्रंट रो में कुछ बैठे हुए थे उसमें VVIP सीट पर, तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये बताओ आप क्या बिजनेस करते हैं? एक बंदा खड़ा हुआ, जी हम जूता होता ना जूता, जूते का शोल बनाते हैं। मैंने कहा अरे तो अच्छी बात है, किस नाम से आपका ब्रांड है? नहीं हमारा ब्रांड नहीं है, हम रीबॉक को सप्लाई देते हैं। मैंने कहा अच्छा, रीबॉक को आप सप्लाई देते हैं, तो यार आप तो बहुत महंगा मटेरियल बेचते होंगे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, जो हमें 80 रुपये का पड़ता है वो 100 रुपये का रीबॉक को बेचते हैं, 20 रुपये का मार्जिन होता है ना। तो मैंने कहा और रीबॉक कितने का बेचता है? कहता है रीबॉक जब उसका रेडीमेड पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो वो 2000 रुपये का बेचता है, मिनिमम 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 तक का बेचता है। मैंने कहा इसका मतलब आपका प्रोडक्ट या आपका मटेरियल यूज़ करके आप कमा रहे हैं मैन्युफैक्चरर वाला मार्जिन, नॉमिनल प्रॉफिट, और रीबॉक कमा रहा है अपने ब्रांड का मार्जिन, प्रीमियम प्रॉफिट। तो क्या डिफरेंस है? आप सारा बढ़िया क्वालिटी का माल बनाते बनाते मर गए, आपने ब्रांडिंग पे काम ही नहीं किया। जब आप इस लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं कि रीबॉक जैसी कंपनी उसको बेचती है, तो क्यों ना आप ऐसा ब्रांड भी करें कि रीबॉक की तरह आपका माल बिके। कह रहा हाँ सर बात तो ठीक है, पर हमारी इंडस्ट्री में कैसे होगा? मैंने कहा हर इंडस्ट्री में ब्रांड होते हैं। आप क्या सोचते हो सारे ब्रांड क्या टीवी पर आते हैं? 50 लाख अगर ब्रांड देखोगे ना, तो उसमें से 100 ब्रांड भी ऐसे नहीं होंगे जिनका टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, लेकिन बाकी भी ब्रांड हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में किंग बनने का प्रयास किया। अब किंग, इंडस्ट्री में किंग का मतलब ही नहीं कि आप ऑल इंडिया से ही कॉम्पीट करोगे सीधा। अरे आप जहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, जहाँ आपकी फैक्ट्री है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में या उस मार्केट में, क्या आप किंग बन पाए? सबसे पहले तो अपनी मार्केट के किंग बनो, अपने एरिया के किंग बनो। जब एरिया के किंग बन जाओगे तो वो एरिया का जो पैरामीटर बड़ा होगा, ऐसे बहुत सारे एरिया होंगे, जैसे दिल्ली है, मान लीजिए दिल्ली में पीतमपुरा एक जोन है या रोहिणी एक जोन है, अगर आप रोहिणी के किंग है ना, तो फिर आप पीतमपुरा में एंटर कर सकते हैं, अगर पीतमपुरा के भी किंग बनेंगे। जब आप एक जोन, दो जोन, तीन जोन, चार जोन सब जगह करेंगे, तो आप पूरी दिल्ली के अपने आप को किंग के रूप में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हालांकि बनना है तो या तो इंटरनेशनल ब्रांड बनना है या फिर सप्लायर बनना है ब्रांड को माल देने वाला। ये बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे होते हैं कि ब्रांड को कैसे डेवलप करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी टेरिटरी में, जोन में, फिर टेरिटरी में, फिर सिटी में, फिर डिस्ट्रिक्ट, सिटी के अलावा फिर जैसे नॉर्थ इंडिया में, फिर पूरे इंडिया में, फिर ग्लोबल जाना आप। तो ब्रांड पर फोकस करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग किसी भी व्यक्ति की सफलता को उसके द्वारा यूज़ किए हुए गैजेट्स, इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स या गाड़ियाँ, ये वो दिखावे से उसको जज करते हैं, रियलिटी में जज नहीं करते कि बंदे ने बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, अच्छे से काम कर रहा है, ठीक से रह रहा है, अच्छा कमा रहा है और प्रोग्रेसिव है। तो ये माइंडसेट टूटता नहीं है, और उसी माइंडसेट को बरकरार रखते हुए ना वो बंदा क्या करेगा बिजनेस में, पहले तो क्या है, पैसे लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लॉस था, धीरे धीरे ब्रेक इवन पे आया, फिर प्रॉफिट पे आने लग गया। प्रॉफिट शुरू नहीं हुआ अभी उसका 50,000 रुपये भी, 3 महीने नहीं हुए इस बात को, पर उसने देखा यार 3 महीने में 1.5 लाख रुपये इकट्ठे हो गए। एक्चुअल में उसके बिजनेस को पैसे की और ज़रूरत है। कहते ना कि अगर हमने पेड़ को खाद दिया है, पानी दिया है, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हमें और ज़्यादा खाद और पानी देने की ज़रूरत है, और ज़्यादा देखरेख करने की ज़रूरत है। नहीं, उसने तो वो नींबू तोड़ लिया, अब तो इसका रस निकालूंगा, और रस क्या है, 50,000 रुपये महीने का प्रॉफिट आ रहा है, उसे निचोड़ जाएगा, EMI पे पहले मोबाइल ले लेगा, मोबाइल ले लिया, ठीक है, और ठीक है 50,000 से 75 हो गया, 75 से 1 लाख हो गया, अब क्या यार, अब तो यार इनकम बढ़ गई, बहुत अच्छी हो गई, आगे का फ्यूचर नहीं देख रहा। पहली बात तो उसको एक साल का एवरेज नहीं पता कि साल में कब कब प्रॉफिट आएगा, कब कब सेल कम होगी, कब कब लॉस की संभावना होगी, कब इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, कब और नए एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। नहीं, अब वो धंधा बन गया, वो पेड़ छोटा ही है, बस उसका शोषण कर दो बिल्कुल। कहते हैं ना
गंदे शब्द हो सकते हैं, बस शोषण से आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो बिजनेस बना दिया छोटा सा, अब उसका शोषण करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नींबू को निचोड़े जाओ रस निकाले जाओ। प्रॉफिट आया 4-5 लाख रुपए इकट्ठे हुए, ईएमआई पे फिर गाड़ी खरीद ली। अब जो प्रॉफिट 50-60 हज़ार से लेके 1.5-1 लाख तक पहुंचा था, अब उसके ऊपर बर्डन और ज़्यादा बढ़ गया। क्या? फोन की ईएमआई जाएगी, घर ले लिया लोन पर वो जाएगा, गाड़ी ले ली लोन पर उसकी किस्त जाएगी, तब जाके बिजनेस में कुछ बचेगा तो वो मालिक अपने पास रख लेगा, फिर और निकालना शुरू कर देगा। सेल का एडवांस पैसा आया वो खर्च कर लिया, अरे भाई उसको माल भी तो देना है ना। तो आपको लिक्विडिटी को मैनेज करना आना चाहिए। मुझे ये लगता है कि एक बिजनेस ओनर को कोई भी लग्जरी चीज़ चाहिए ना, तो वो कितनी वैल्यू के ले सकता है, इसका एक ही फार्मूला है कि जितना भी पैसा उसके पास है, क्या उसके 10% में उसकी लग्जरी की वो डिमांड पूरी होती है, तो वो उसके लिए वो नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, है ना। कहते ना आईफोन की अगर बात करूँ, आईफोन 14 है, 15 है, प्रो मैक्स है या और हैवी उसमें स्टोरेज डेटा वाला है, तो किसी के लिए वो लग्जरी है, किसी के लिए नेसेसिटी है। पर लग्जरी और नेसेसिटी की डेफिनेशन कब कंप्लीट होगी? जब ये डिफाइन हो जाए कि उसकी इनकम कितनी है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है एक बिजनेस ओनर का कि वो पैसे बिजनेस में डालता नहीं है, निकालना शुरू कर देता है। अभी पेड़ बड़ा भी नहीं हुआ, पहले फल खाना शुरू कर देता है, और फल भी इतनी बुरी तरह से खाता है कि उसका तो मन करता है इस पेड़ को नोच के खा जाऊं पूरा। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पर हमें ठीक से काम करना है कि फाइनेंस मैनेजमेंट को समझना है अपने बिजनेस में। जब तक आपका विजन कंप्लीट बिजनेस के आकार तक ना पहुंच जाए कि भाई मुझे इस लेवल का बिजनेस क्रिएट करना है, और उस लेवल तक ना पहुंच जाए तब तक अपने बिजनेस का 60-70% री इन्वेस्ट करते रहो बिजनेस में। और जितने बिजनेस ओनर ने री इन्वेस्ट किया ना बिजनेस में, वही बिजनेस में आगे बढ़े हैं। नींबू की तरह निचोड़ना नहीं है, लूट के नहीं रख लेना बिजनेस को। वो कहते हैं ना कि गाय है दूध देने वाली, लेकिन आप इंजेक्शन ठोंक ठोंक के उससे एक्स्ट्रा दूध निकाले जा रहे हैं, उसका शरीर खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो ये काम नहीं होना चाहिए बिजनेस ओनर की तरफ से। नेक्स्ट और लास्ट बात जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ना, वो क्या है? वो ह्यूमन रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। पहली प्रॉब्लम तो क्या है, अगर बिजनेस ओनर किसी को सैलरी दे रहा है ना, तो वो सोचेगा इस बंदे को तो मैंने खरीद लिया, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये एम्प्लॉई मेरी प्रॉपर्टी है। वर्किंग आवर्स में भी काम करे, वर्किंग आवर्स के बाद भी काम करे, और एक आदमी 5-6 काम कर दे। जैसे मैंने देखा कई लोगों को कि उनका ड्राइवर है तो वही उनका पेमेंट रिसीव करने भी जाता है, वही उनका और बाकी काम भी कर रहा है, तो वो मल्टीटास्किंग बना देता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता, मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग बातें हैं। एक बंदा अपनी लाइफ में मल्टी टैलेंटेड हो सकता है पर मल्टीटास्किंग नहीं। दुनिया का एडवांस से एडवांस गैजेट भी ना दो काम एक साथ नहीं करता। आप कभी देखो कंप्यूटर पर, अगर मान लो मूवी चल रही है और आप कुछ और करना चाहेंगे तो मूवी को आप डाउन करेंगे तब कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, दो चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते। या जो उसका रैम है या सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो एक चीज़ पर 100% होगा, एक पर डाइवर्टेड होगा। आप गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो एक्सपर्ट हूँ गाड़ी चला चला मोबाइल भी यूज़ कर लेता हूँ, तो जिस समय आप मोबाइल को देखते समय उस समय गाड़ी का जो कॉन्शियसनेस है वो कम हो जाती है, और जिस समय आप गाड़ी चलाने पर फोकस कर रहे हैं उस समय बात पे ध्यान कम हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मल्टीटास्क कर लो। जैसे आप अच्छा लिख सकते हैं और आप अच्छा तबला बजा सकते हैं, पर आप एक साथ तबला बजाते हुए लिख नहीं सकते। तो यू कैन बी अ मल्टी टैलेंटेड नॉट मल्टी टास्किंग। तो मल्टी टैलेंटेड लोग जो होते हैं ना, उनको अपनी कंपनी में अच्छे तरीके से रखना और उनकी योग्यता के हिसाब से उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप कोशिश करें कि आपकी कंपनी में एक व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वही काम करें, दूसरे काम के लिए दूसरा व्यक्ति हायर करें। पर स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर की प्रॉब्लम क्या, उसके बाद इतना काम ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए जिसका काम अकाउंट्स का करने का है, उसका इतना काम नहीं कि 8 घंटे अकाउंट्स का ही काम करे, तो हम उससे बाकी काम करा लेते हैं, सेल्स का करा लेते हैं, मार्केटिंग का करा लेते हैं, कॉलिंग का करा लेते हैं। कॉलिंग वाले का क्या काम है कि भाई कॉलिंग कर रहा है तो उसको कहा कि भाई चल ये अकाउंट्स भी देख ले या ये परचेज भी देख ले। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना काम नहीं है कि कॉलिंग वाले को हम इतना काम दे सकें कि वो 8 घंटे काम कर सके। तो प्रॉब्लम बिजनेस ओनर की है। एक ही जैसे बिजनेस में एक इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ जाती है और एक इंडस्ट्री पीछे रह जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों की लीडरशिप की क्वालिटी में अंतर है। लीडरशिप बेस्ट होगी तो आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं एज अ बिजनेस ओनर, जिनको ग्राउंड रियलिटी पर मैं अपनी कंपनी में भी देखता हूँ, और स्मॉल स्केल बिजनेस से लेकर लार्ज स्केल तक बिजनेस को ले जाने तक एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। बिजनेस से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है ना, तो वो प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। कंसल्टिंग करना चाहते हैं मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें।
आप लोग जानते हैं कि मेरी कंपनी का नाम है मेटास ओवरसीज लिमिटेड। हम लोग स्टेनलेस स्टील मॉडुलर किचन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और आज पूरे भारतवर्ष में हम फ्रेंचाइजी और डीलरशिप नेटवर्क के जरिए अपने बिजनेस को स्प्रेड ओवर कर रहे हैं। और ये केवल तभी संभव हो पाया है जब हमने बिजनेस के सिस्टम को ठीक से समझा है और ठीक से समझने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बाद ही मैं लोगों को गाइड करना शुरू किया कि इस तरह से बिजनेस को सेट किया जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को सीख कर समझ कर उस व्यक्ति के साथ डील करते हैं जिसने वो सब कुछ किया हुआ है, या ऐसे लोगों के साथ चीज़ों को समझना पसंद करते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी बिजनेस ही नहीं किया। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बात जरूर बताना। बोर्ड पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करके आप कभी भी मुझसे कंसल्टिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।